सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं अपने घर की सफाई, क्योंकि दीदी के साथ दिन नज़दीक आ रही है, तो आज हम सफाई करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। सभी आप बाहर देख सकते हैं, बाहर काम चला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आम है और आम को छीला गया है इस तरीके से, और इसकी माकड़ियाँ बनाएंगे आप हम इस तरीके से। आप देख सकते हैं, पहाड़ी में तो इसे माकड़ियाँ बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर लगा है पूरा। तो पापा इसे काट रहे हैं, गोलू इसकी गुठलियाँ निकाल रहा है, और मम्मी भी काटने का काम कर रहे हैं, और मैं भी गुठलियाँ निकालूंगा, और फिर इन्हें सूखने के लिए यहाँ पर धूप में रख दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी डाली हुई हैं कुछ सूखने के लिए, और ये अभी डाली है आज सुबह, और ये कल की हैं आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके की सूख गई हैं, ये सूख कर बिल्कुल लाइट वेट हो जाएंगी ये। तो अभी मैं भी काम कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये है एक हथियार जिससे कि आम छीले जाते हैं, इसको सूतड़ी बोलते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आम छीले जाते हैं आप देख सकते हैं। और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आम छील जाते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है दही, चपाती और सब्जी। तो पहाड़ों के सामने खुले आसमान में खाने का मज़ा जो है वो अल्टीमेट ही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सफाई जो अब वो स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पर लाइट का सोर्स ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कद्दू, और यहाँ पर एक और है बहुत बड़ा, ये इन्हें यहाँ पर रख दिया गया है, और दीदी की शादी के लिए इनकी सब्जी बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक बहुत बड़ा है, ये भी है, और ये अलग वाला है, और ये है मेन कद्दू। तो यहाँ पर सफाई जो है वो स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली जो सेल्फ है इसे साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली हम बर्तन रखते हैं, और ऊपर बर्तनों को ढक दिया गया है, और यहाँ पर यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है और देख सकते हैं आप, और यहाँ पर कुछ रखे गए हैं जिन्हें मैं बाद में बताता हूँ, और यहाँ पर भी कुछ सामान निकलेगा पुराना। तो चलिए अभी वेट कीजिए, हम काम कर लेते हैं। मंदिर सफाई कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ मिली, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसे बोलते हैं हिरण, और यहाँ पर डंडा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लेते हैं, और यहाँ पर तस्वीर लगाई जाती है भगवान की। और लोहड़ी यहाँ पर एक पर्व होता है हिमाचल में, जिसमें कि कुछ इस प्रकार से ये बनाया जाता है, और घर घर में जाकर लोहड़ी गाई जाती है, तो फिर इस प्रकार से इसे मनाया जाता है। और ये मेरे दादाजी ने बनाया था, ये है 2017 का, और मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी 2018 में, तो ये इतना पुराना है और अभी तक भी है, तो बहुत अच्छा लगता है ये इस प्रकार से। मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने बना कर दिया था मुझे। तो अभी तो और भी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप देखते रहिए व्लॉग को। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मेरे दादाजी का हुक्का, आप देख सकते हैं, और ये है पीतल का, और इस पर जंग भी आ गया, आप देख सकते हैं कितना पुराना है। ये देख सकते हैं आप, ये आम के आकार का था, तो अभी तो इसे ऐसे रखा गया है इसे, तो अभी हम इसे फेंकेंगे नहीं, घर में ही रखेंगे। और आप देख सकते हैं, ये है मेरे परदादाजी का हुक्का, इसमें इनकी मेरे दादाजी के पापा का हुक्का, आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा है, और इसका इसकी जो डंडी है ये भी बड़ी है, और मेरे दादाजी का छोटा था। और यहाँ पर एक लालटेन निकली है, आप देख सकते हैं कितनी पुराने ज़माने की है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक कप, और जब हम छोटे छोटे थे, पहली या दूसरी में पढ़ते थे, तो उस टाइम मेरे बीबी जी, मतलब बहन की मेरी दादी, हमें इसमें चाय या दूध जो भी देना होता था इसमें देते थे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आधा है, और मतलब इसमें चीज़ आधी आती थी और कप बड़ा है, तो ऐसा लगता था कि ये पूरा पूरा भरा हुआ है, लेकिन आधा होता था। तो मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आज, तो मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, तो देखते रहिए। गाइस, यहाँ पर आप एक बोतल देख सकते हैं, आप गैस कीजिए इसमें क्या हो सकता है। तो ये है
गाइस ये है गाय का गुंतर जो कि रामदेव जी को बहुत ही पसंद है और सभी को पीने के लिए बोलते हैं। तो हमने ये बहुत ही पुराना रखा है, हो गए होंगे कोई 5-6 साल, तो बहुत पुराना, जितना पुराना होगा उतना मतलब ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ये निकला है, और भी अंदर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकले हैं कुछ पत्थर की तरह है, लेकिन इसे बट्टा बोला जाता है, जिसका कि यूज़ होता था पहले, तरकड़ियाँ होती थी, तरकड़ी मीन्स कि किसी चीज़ को नापने के लिए, तो उसका तोड़ने के लिए उसका यूज़ किया जाता था। तो अभी तो बट्टे आते हैं 5 किलो 10 किलो, लेकिन पहले इस तरह के पत्थर होते थे जिसे कि शेर, आधा शेर और बट्टी, कुछ इस तरीके के नाम दिए जाते थे। तो ये भी निकले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आंवले की बड़ियाँ, जिन्हें कि आंवले को सुखा कर बनाया जाता है जिसके, और यहाँ पर एक पेड़ा सा है, इसमें गुठलियाँ हैं आम की, और ये खाने में बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे ये सूख कर इनकी चटनी भी बनाई जाती है, बहुत अच्छी होती है ये। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने गद्दे लिए हैं दीदी की शादी के लिए, अभी आए थे बेचने वाले फ्रेंड्स। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी और गोलू लेकर जाएंगे इसको कुएँ, कुएँ तक लेकर जाएंगे हम इसको, क्योंकि पापा जाएंगे इसको भरवाने। मेरे को मुंडे पर रखना, तू लेना तो मैं ले जाता हूँ। कल वाले ब्लॉग में मैंने आपको अपनी स्कूटी नहीं दिखाई थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वो स्कूटी एक्टिवा, और देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन इस पर रही है। और अभी चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर है हमारी एक्टिवा 6G जो कि अभी न्यू ली है, 6 से 7 महीने हो गए होंगे इसको लिए हुए, आप देख सकते हैं। तो इसे पापा चलाते हैं और पुरानी वाली को मैं और मेरा भाई। सो फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।